जय हिंद, नमस्कार। जयपुर में चल रही सेना भर्ती में एक ऐसा वाक्य सामने आया है जिसमें एक लड़का सेना भर्ती में शामिल होने जाता है और वो एक पहाड़ पर इतनी ऊंचाई पर चढ़ जाता है कि जब वो वहां से नीचे की ओर देखता है तो वो डर के मारे जोर जोर से रोने लगता है। ये नजारा करीब 2 से 3 घंटे तक वहां पर देखने को मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार वह लड़का पहाड़ पर चढ़ा ही क्यों। दरअसल मामला कुछ इस तरह है कि बीते कल किशनगढ़ निवासी हरिराम अग्निवीर भर्ती में शामिल होने के लिए पहुंचा था। भर्ती प्रक्रिया के दौरान जब सेना के जवानों ने उसके दस्तावेजों की जांच की तो उनमें गड़बड़ी पाई गई, जिस पर सेना ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और शिकायत करते हुए पुलिस को वहां पर बुलाने के लिए कहा। जब उस लड़के को पता चला कि पुलिस वहां आने वाली है तो वह लड़का वहां से भाग गया, जिस पर आर्मी के जवानों ने उसे घेरा तो वह पहाड़ पर चढ़ गया। वह पुलिस व सेना के जवानों के डर से पहाड़ पर ऊपर ही ऊपर चढ़ता गया और आखिर में उसकी चोटी पर पहुंच गया। इसके बाद जब उसने देखा कि वह तो बहुत ऊपर आ गया है और अब नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो वह जोर जोर से रोने लगा और पुलिस को कहा कि मेरे से गलती होगी, मुझे नीचे उतार लो। करीब 3 घंटे तक यह घटनाक्रम वहां चला। इसके बाद मौके पर SDRF की टीम को बुलाया गया। फिर पुलिस के साथ मिलकर SDRF की टीम ने बड़ी मशक्कत करते हुए उस लड़के को सुरक्षित पहाड़ से नीचे उतार लिया। इसके बाद पुलिस वालों ने उस लड़के की पिटाई भी की और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की। वहीं दूसरी खबर एक यूपी से सामने आ रही है जिसमें एक लड़का सेना भर्ती में शामिल होने के लिए मुजफ्फरनगर गया होता है लेकिन वहां से वह वापस नहीं लौटता है। लड़का वहां से लापता हो जाता है। परिजनों ने उसे खूब ढूंढा लेकिन वह नहीं मिला और अब उस लड़के का शव मिला है। गाजियाबाद पुलिस ने इसको लेकर जानकारी दी है कि हिंडन नदी के निकट एक युवक का शव मिला है। इसके बाद परिजन वहां गाजियाबाद पहुंचते हैं और वहां जाकर परिजन उस शव की शिनाख्त कर लेते हैं। इस मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया है। वहीं तीसरी खबर में बात करें तो यह खबर जम्मू से है। यहां पर शुरू हुई अग्निवीर भर्ती के पहले दिन युवाओं ने भारत मां के जयकारों के साथ दौड़ में दमखम दिखाया। जिन युवाओं ने दौड़ पास कर ली है उनकी भर्ती की आगे की प्रक्रियाएं भी अब शुरू कर दी गई है। वहीं आज से 7 दिन बाद यानी 16 अक्टूबर से अग्निवीर भर्ती का पहला लिखित एग्जाम होने जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। इस बात का बेहद ख्याल रखा जा रहा है कि पहले की जिस तरह कुछ भर्तियों में पेपर लीक हुआ था ऐसा फिर से न हो, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं दलालों पर भी इसको लेकर पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं युवा भी इन 7 दिनों में अपनी तैयारियों का रिवीजन करने में जुटे हैं क्योंकि हर कोई युवा यही चाहता है कि इस बार किसी भी हाल में उसका सेना में जाने का सपना जरूर पूरा हो, भले ही फिर वो 4 साल के लिए ही क्यों ना हो। तो चलिए साथ ही मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।